वो अभी हमारी कुल प्रॉब्लम भी इतनी है जिसको हमने बार बार कहा है कि अभी हम ये मानते हैं कि मैं और मेरी फैमिली और मेरी फैमिली में मैं और मेरी फैमिली में सोफा सेट का साइज बड़ा हो जाए मकान का साइज बड़ा हो जाए कार का साइज बड़ा हो जाए हर कमरे में एसी लग जाए और हर कमरे में टीवी लग जाए लैपटॉप और मोबाइल सबके पास होगा और बिल्कुल एस ट्वेल्व क्या गया? S12 आ गया आजकल एस ट्वेल्व आ गया एप्पल का कौन सा कौन सा चल रहा है आजकल थर्टीन आ गया और पागल करता रहेगा वो है ना अब एस थर्टीन आ गया कल को एस फिफ्टीन भी आ जाएगा है ना तो सबके पास एक ऐसा मोबाइल हो तो हमारे सोचने का दायरा भी अभी इतना ही है कि मैं शरीर की सीमा और उसमें भी अपने परिवार की सीमा तक ही सोच पाता हूं उसके लिए संसार में से क्या इकट्ठा किया जाए किसी को नुकसान पहुंचता हो तो पहुंचे है ना जो कुछ भी होता हो हम सभा में बैठ के बहुत अच्छी बात कर सकते हैं लेकिन व्यवहार रूप में जब जीवन शैली को देखते हैं तो चीजें कुछ और भी नजर आती हैं इससे यह समझ में आता है है ना कि हमारे जीने का दायरा शरीर की सीमा में है जबकि मैं जानू या ना जानू मानू या ना मानू मैं इस अस्तित्व के इस पूरे अस्तित्व का पार्ट एंड पार्सल हूं यदि मैं इस पूरे अस्तित्व का पार्ट एंड पार्सल हूं तो मेरे होने का कोई पर्पज पहले से तय है मैं कुछ भी तय नहीं कुछ भी मनमानी नहीं चलेगी जितने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लीजिए कोई मनमानी चलने का कोई स्कोप नहीं है जो एग्जिस्टेंस में नियम है उस नियम को समझकर उत्सव पूर्व जिया जा सकता है नहीं तो अपनी कब्र खो दी जा सकती है इतना ही ऑप्शन हमारे पास है मनमानी करने का कोई ऑप्शन है नहीं तो एक बार ये हमारे ख्याल में आ जाए कि मनमानी करने का ऑप्शन नहीं है मैं फाइनली सुखी होना चाहता हूं मेरे अपने भी सुखी होना चाहते हैं यदि ऐसा होना है तो मेरे को फिर पूरे जहाज को समझना होगा उसके यदि इस यदि इस जगह में हम आए हैं तो हमारा एक टाइम शेड्यूल है रूम है तो उसमें कोई व्यवस्था है सुबह गर्म पानी करने की व्यवस्था है खाने का समय है सोने का समय है सभा में चर्चा करने का समय है इस व्यवस्था के अनुरूप हम चल पाते हैं तो यहां हम एक तालमेल में जी पाते हैं और यहां से हम कुछ ले जा सकते हैं यदि इस व्यवस्था को हम नहीं समझते हैं नहीं स्वीकारते हैं तो इसमें से हम कुछ लेके नहीं जा सकते आप शिविर के समय पे सो और रात भर जागो ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम इस व्यवस्था का लाभ तो अपने को नहीं मिलने वाला है तो इसका मतलब है कि यदि परिवार की एक व्यवस्था है एक शिविर की एक व्यवस्था है ये पूरी सृष्टि अपने आप में एक व्यवस्था है वो व्यवस्था का मैं पार्ट एंड पार्सल हूं मैं उससे अलग नहीं हो सकता उससे अलग मुझको निकाला नहीं जा सकता मैं अपनी व्यवस्था नहीं बना सकता माई रूल्स नहीं हो सकते